नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोअर की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आपके जो सामान्य विज्ञान और गणित का संभाग है उसमें आपका कुछ बिंदुओं का जिक्र है, जिनमें कि आपका जल चक्र यानी वाटर साइकिल, जल स्रोत के प्रकार, कितने टाइप के आपके रिसोर्सेस होते हैं उन सब के बारे में, साथ ही साथ आपके कुछ अन्य बिंदु लिखे हैं जैसे पेयजल जो गुणवत्ता है इनके मानक क्या होते हैं, एक्वीफर्स क्या होते हैं यानी जल वृद्ध जो है जल वृद्ध, और साथ ही साथ आपका दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टिविटी सर्वे। इन पांच बिंदुओं का जिक्र किया गया है और इन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको दो बिंदुओं के बारे में जो कि आपका बैंकिंग और अकाउंटेंसी यानी जो है बही लेखन और साथ ही साथ जो लेखा शास्त्र था उससे संबंधित व्याख्यान, और एक आपका इससे पहले और भी आपका जो कि इंटरपर्सनल इफिशियंसी से संबंधित था वो भी मैंने उपलब्ध करा दिया है। आज हम लोग इस पर बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, और एक बात यह ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आपको वीडियो क्लासेस दी जाती हैं इन सभी के नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दी जाती है जो आप परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जल चक्र के बारे में। तो जल चक्र से समझने से पहले हमें जल की, चूंकि यह पूरा का पूरा जो आपका एक बिंदु दिया हुआ है ये एक ही आपके बिंदु के अंतर्गत मेंशन है, और इसमें जो चीजें हैं उनको हमें एक साथ रिलेट करके चलना है, यानी सब कुछ हमें देखना है कि जल की उपलब्धता भारत में कैसी है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कैसी रहेगी, क्या चीजें रहेंगी, भूजल के मानकीकरण के क्या क्या आपके जो है जो प्रदेश सरकार के द्वारा मतलब प्रदेश सरकार और साथ ही साथ मुख्य तौर पर जो केंद्र सरकार की आपकी एजेंसियां हैं वो लोग क्या क्या लेकर के चलती हैं अपने मानकों के अंतर्गत, स्टैंडर्ड के अंतर्गत। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर के बारे में। अगर बात की जाए जल के बारे में तो जल आप सारे लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा अथवा भंडार को हम लोग जलमंडल के तौर पर जानते हैं। जितनी मात्रा पानी की उपलब्ध है या जितना आपका किसी ना किसी रूप में भी हमें मिले उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें भंडार मिल गया, राशि मिल गई, इसी राशि को हम लोग जलमंडल के तौर पर जानते हैं। जल संसाधन पानी के वह स्रोत हैं जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनके उपयोग की संभावना हो। जब हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेस की तो ये पानी के वे स्रोत होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनके उपयोग की संभावना हो, बस उन्हें हम जल संसाधन के तौर पर जानते हैं। हर एक जल जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते वो हमारे लिए जल संसाधन के तौर पर नहीं आएगा। पृथ्वी पर कुल जल का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कुल जल का 97.3% खारा जल है। जितना जल यहां उपलब्ध है हमें उसका लगभग 97.3% जल जो है ये खारा है। 97.3% जल आपका खारा मिलता है, और साथ ही साथ पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.07% ही शुद्ध जल है जिसे पीने योग्य माना जा सकता। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि भूमंडल पर जो है मौजूद समस्त जल राशियों में से जलमंडल में से कितना जल पीने योग्य है, तो केवल 2.07% जल जो है वो हम पी सकते हैं, बाकी का बाकी सब कुछ आपका सैलिन वाटर है यानी खारे जल के तौर पर उपलब्ध है जिसे हम पी नहीं सकते हैं। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया के 2 अरब लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है, जिससे उन्हें हैजा, आंत्रसोद आदि जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। यानी जल की वजह से जो आपकी जो है उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं जिनको आप जलजनित बीमारियों के तौर पर जानते हैं उनसे वो पीड़ित हो जाते हैं अगर उन्हें शुद्ध जल स्वच्छ जल नहीं मिला। वाटर साइकिल की बात करते हैं, जल चक्र क्या होता है। तो वाटर साइकिल आप सारे लोग कक्षा 7 और 8 के दौरान पढ़े होंगे। वाटर साइकिल की जब हम बात करते हैं तो जल चक्र का अर्थ है कि पृथ्वी के स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के बीच में होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह। ठीक है, कि जल का जो आपका चक्रीय प्रवाह होता है वो पृथ्वी के आपके स्थलमंडल से, ठीक है, स्थलमंडल से, फिर आपका जो जलमंडल है, ठीक है, जलमंडल से, और जलमंडल के साथ ही साथ आपका फिर से आपका जो वायुमंडल है इनके बीच में जो आपका पूरा चक्र चलता है इसी को हम लोग वाटर साइकिल या जल चक्र के तौर पर जानते हैं। इसको वाटर साइकिल या जल चक्र के तौर पर जानते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन सी परिभाषा है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर, धरातल से महासागर तक पहुंचता है, और इससे जल के विभिन्न स्रोतों से जीवों के बीच में जल का आदान प्रदान भी शामिल है।
कई अलग अलग आपके टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जिनके जीवों के बीच में जल का जो आदान प्रदान होता है वह भी जल चक्र का एक हिस्सा होता है, एक संभाग होता है, इसको ध्यान रखें। अब इसमें जब हम आगे बात करते हैं जैसे जल चक्र आपका किस रूप में होगा, तो जल चक्र का फिगर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। ये वही चीजें मैं बता रहा हूं जो आप कक्षा 7 और 8 की किताबों में देखते हैं, खासकर कक्षा 7 में। जैसे जल आपका उपलब्ध है, ठीक है, जल यहां पर मान लीजिए किसी भी रूप में है, नदी है, नाला है, जिस भी रूप में है यहां जल उपलब्ध है। जब सूर्य से क्या होगा, सनलाइट आपकी पड़ेंगी तो ये गर्म होता है, और गर्म होने के बाद क्या होगा, गर्म होने के बाद यहां से आपका वाष्पीकरण होगा और जल आपका ऊपर, अब ठीक है, वाष्पीकरण के माध्यम से फिर जल जलवाष्प का रूप धारण करके ऊपर की ओर उठने लगता है। जब हम पेड़ों की बात करते हैं, वृक्षों की बात करते हैं, तो पेड़ों से भी आपका वेपराइजेशन होता है और इससे भी आपका क्या होता है, जो वेपर होती है ये ऊपर बादलों में पहुंचने लगती है। बादल में जब आपका वाष्प पहुंच जाता है तो इसका संघनन होता है और संघनन होने के बाद ये पुनः जल की बूंदों के रूप में फॉर्म हो जाता है और वर्षण के द्वारा, रेन के द्वारा यह पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यही एक आपका सिस्टम चलता है पूरा का पूरा, यानी स्थल मंडल, वायुमंडल और फिर आपका जो जल मंडल है, इन तीनों के बीच में जो संबंध हमें देखने को मिलता है यही आपका क्या कहलाता है, यही हमारा जल चक्र या वाटर साइकिल कहलाता है, ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही हमारा जल चक्र कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। जल में, अगर जल चक्र में बात करें तो वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण, अंतः स्पंदन, अपवाह तथा संग्रहण की प्रक्रिया शामिल होती है। जल चक्र में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, वाष्पीकरण होती है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है यानी जो वृक्ष वेपराइज करते हैं, ठीक है, एक तो आपका जल जब गर्म हुआ, सतह गर्म हुई, वहां से जो निकला, वहां से फिर जो वृक्ष से आपका जो है वाष्प आपकी निकलती है, जल वाष्प, जहां से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो चीजें, उसके बाद संघनन होता है, जल आपका एक फॉर्म में जमने लगता है जिसको आप कंडेंसेशन बोलते हैं, फिर वर्षण होता है यानी रेनिंग होती है, फिर अंतः स्पंदन होता है यानी जल आकर के कहीं ना कहीं धीरे धीरे पृथ्वी में समाहित तो होगा, फिर अपवाह होगा, ठीक है, अपवाह का अर्थ होता है कि आपका जल का बहना, जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे की ओर चलेगा जैसे अनुसार होगा और कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह पर आपका संग्रहित हो जाएगा। तो इतनी प्रक्रियाएं जल चक्र के अंतर्गत आती है। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि वाटर साइकिल का सही क्रम क्या है, यहां से आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि वाटर साइकिल का सही क्रम क्या है बताइए, तो एक प्रश्न यहां से बन सकता है। जब हम बात करते हैं वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण के तहत गर्मी के प्रभाव से धरातल अथवा समुद्र का जल जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है, ठीक है, जिसको आप वेपोराइजेशन कहते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की, तो यह प्रक्रिया जीवित प्राणियों में होती है, ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया जीवित प्राणियों में होती है। और यह प्रक्रिया आपकी कब होती है, यह जब गर्मी के प्रभाव से धरातल या समुद्र का जल गर्म होता है तो वेपर के रूप में जब आपका ऊपर उठता है उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं और वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, यानी भाप का उत्सर्जन होला निकलना, ये चीजें किससे होती है, ये आपके जीवित प्राणियों से यानी लिविंग जितनी भी बॉडीज है उनसे होती है। इनसे बनने वाला जो वाष्प होगा ये संघनन की क्रिया के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा बादल में परिवर्तित होता है, यहां से क्लाउड की फॉर्मिंग होती है और फिर वर्षण यानी रेनिंग की प्रक्रिया के द्वारा बादल के रूप में संग्रहित जल वर्षा की बूंदों तथा हिमपात के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है, बर्फ की बूंदों के फॉर्म में या फिर आपके पानी यानी जल की बूंदों के फॉर्म में, फिर आपका पूरा जो ये आपका कंडेंसेशन के माध्यम से जल की बूंदें बनी थी वो नीचे पुनः आ जाती हैं, पृथ्वी से ही गई थी और पृथ्वी पर पुनः वापस हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं वाटर सोर्सेस के हिसाब से, वाटर सोर्सेस क्या क्या हैं, जल स्रोत क्या होते हैं। देखिए देश के जल संसाधन जितने भी हैं अपने यहाँ, तो मुख्य तौर पर अगर देखें तो भाई हमारे यहाँ जल संसाधन जितने भी आपको प्रमुख नगर मिलेंगे, प्रमुख आपके देशों की बात कर लें, जितने भी आपको देश मिलेंगे, हम अपने यहाँ सभ्यताओं की बात कर लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लें, नाम ही इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाया, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया, तो इन सबके पीछे जो आपके जिक्र है, इन सबके पीछे जो आपकी मुख्य बातें आती हैं वो क्या आती हैं, वो यही आती हैं कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नदी के किनारे विकसित हुआ, भारत में आज भी जितने भी आपके बड़े राज्य हैं, ठीक है, उन राज्यों का ये मैं आपके मुख्य शहरों को देखिए, सबके सब आपके नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो जब हम जल स्रोत की बात करते हैं तो अपने यहाँ जल स्रोत की अगर चीजें हों
पहले हर कोई आखिर नदियों के किनारे क्यों बसा? पहले भाई ना तो आपका हैंडपंप जैसा कोई व्यवस्था थी कि नहाने के लिए आपकी वाटर सप्लाई आ रही, पीने के लिए आपकी पानी आ रहा है। हमारे पास जो कुछ था नहाने के लिए पीने के लिए वो सारी के सारी स्रोत नदियां ही थी। तो इसीलिए जितने भी आपके देश बसे, जितने भी प्रमुख नगर बसे, आज भी आप देखिए जितने भी आपको प्रमुख नगर मिलेंगे, चाहे हम औद्योगिक नगरों की बात करें या आपके आवासीय नगरों की बात करें, आपको ज़्यादातर नदियों के किनारे ही मिलते हैं। पहले हमारे परिवहन का भी साधन नदियां ही थी। तो जब हम देश में बात करते हैं जल संसाधनों की, तो नदियां और नहर, जलाशय, कुंड, तालाब, आर्द्र भूमियां और चापाकार झील, ठीक है, शुष्क पड़ते जल स्रोत, ये सभी के सभी किस में आते हैं? वाटर आपके रिसोर्सेस के तौर पर आते हैं। वाटर रिसोर्सेस में सारे के सारे लोग शामिल हैं, चाहे हम नदियों की बात करें, नदियों के अलावा अगर हम बात करें किसकी, नहरों की बात करें, जलाशय की बात करें, कुंड की बात करें, तालाब की बात करें, आर्द्र भूमियों की बात करें यानी वेटलैंड्स की, चापाकार झील, ठीक है, शुष्क पड़ते जो आपके जल स्रोत हैं और खारे पानी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं अपने यहाँ जितने भी आपके विभिन्न तरीके के वाटर रिसोर्सेस मौजूद हैं, इन सभी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें। नदियों और नहरों के अलावा बाकी के जल स्रोतों का कुल क्षेत्र 7 मिलियन हेक्टेयर है। सोचिए 7 मिलियन हेक्टेयर अगर हम नदियों और नहरों को छोड़ दें, जलाशय ले लें, वेटलैंड्स ले लें, ठीक है, छोटी छोटी चापाकार झीलों को ले लें, जो आपके सूखते हुए जल स्रोत हैं उनको शामिल कर लें, तब भी इनका जो क्षेत्रफल मिलता है, ये क्षेत्रफल आपका 7 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है। अब हम अगर नदियों और नहरों की बात करें, अब यहां से आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, नदियों और नहरों की कुल अगर लंबाई देखें, ठीक है, कुल क्षेत्र देखें, तो 31,200 किलोमीटर लंबाई के साथ इस संबंध में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जो देश की नदियों और नहरों की कुल लंबाई का 17% है। अगर हम देश की कुल आपकी नदियों और नहरों की लंबाई की बात करें, तो सबसे ज्यादा किस राज्य में आपको मिलता है? उत्तर प्रदेश में मिलता है। उत्तर प्रदेश में नदी और नहर के मामले में, तालाब, जलाशय, इन सब का जिक्र नहीं करेगा, इन सब के जिक्र पर हमें दक्षिण भारत चलना पड़ता है, ठीक है। अपने यहां सबसे ज्यादा आपको नदी और नहर के से सिंचाई की बात करेंगे, तो इनका जाल पूरे भारत में जितना है उनका 17% विस्तारित है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बाद हाल जो है जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। देश में पाए जाने वाले शेष जल स्रोतों में, जैसे कुंड की बात करें और तालाब की बात करें, कुंड और तालाब का जल क्षेत्र सर्वाधिक है, 2.9 मिलियन हेक्टेयर। जो आपका 5 मिलियन हेक्टेयर था, उनमें से 2.9 मिलियन हेक्टेयर आपके कुंड और तालाब के रूप में सृजित हैं, ठीक है, यानी इनके द्वारा सबसे ज्यादा है। इसके बाद जलाशय 2.1 मिलियन हेक्टेयर का स्थान है। अधिकांश कुंड और तालाब क्षेत्र कहां पर आपको मिलेंगे? अब जैसे एक प्रश्न यहां से बनता है कि सबसे ज्यादा तालाबों के माध्यम से सिंचाई कहां की जाती है, जाहिर सी बात है हम दक्षिण भारत जाएंगे, तमिलनाडु में, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कुंड और तालाब क्षेत्र की, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, दक्षिण राज्यों में ये 3 राज्य ऐसे आपको मिलते हैं जहां पर सिंचाई का जो तरीका है, ये कोई तालाब है या कोई कुंड है। यहां पर आज भी सिंचाई का जो आपका तरीका होता है, ये कोई कुंड या कोई आपका तालाब होता है जहां से सिंचाई आपकी की जाती है, और ये आपका बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप में सम्मिलित करता है। इसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने पर कुंड और तालाबों का कुल क्षेत्रफल का 62% हिस्सा बनता, सोचिए 62% हिस्सा बनता है पूरा का पूरा, जितना आपको 3 राज्यों में मिल जाता है। जहां तक जलाशय का प्रश्न है, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जलाशयों का बड़ा हिस्सा है। जलाशय अपने यहां भी मिलते हैं, जलाशय अपने यहां भी आपको मिलेंगे, बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है भाई, ठीक है। अब तो मनरेगा के अंतर्गत आपका पोखरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाता है, जहां पर मत्स्य पालन ये सब किया जा सके। तो जलाशय आपको यहां पर भी मिलते हैं, अच्छे खासे जलाशय हमें मिलते हैं, कई पर तो आपके बड़े बड़े एक तरीके से डैम वगैरह भी हम लोग स्टेबलाइज कर लेते हैं, वो भी इसी का फायदा होता है, जलाशय है। लेकिन अगर अपने यहां हम कुंड की बात करें, तालाब की बात करें, तो आपको कुंड और तालाब बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। हम सिंचाई के क्षेत्र में ना, लेकिन मत्स्य पालन वगैरह को लेकर के देखें तो कुछ मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेंगे। आगे इसमें जब हम बात करते हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम, ये 3 आपके ऐसे जगह हैं, ऐसे राज्य हैं जहां पर वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि, चापाकार झील, ठीक है, ऐसी झील जो आपकी क्या हो, एक आपके आर्क के फॉर्म में हो, ठीक है, एक आर्क के फॉर्म में हो,
ऐसी झील और आपकी शुष्क पड़ते जो जल स्रोत हैं, इनका 70% से भी अधिक भाग आपको तीन राज्यों में मिलता है। कहां कहां? ओडिशा, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ आपका असम। ये तीन राज्य ऐसे होते हैं जहां आपकी आर्द्र भूमियों की बात करें, वेटलैंड की बात करें, या फिर हम बात कर लें चापाकार झीलों की, या आपके ऐसे एरिया जो लगातार जो है शुष्क पड़ते चले जा रहे हैं। तो इन सभी को अगर देखा जाए तो जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है वो आंकड़ा 70% का है। ठीक है, 70% आपको हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में विशेष तौर पर मिलता है। उड़ीसा में खारे पानी का कुल जल क्षेत्र सर्वाधिक है। अगर उड़ीसा में बात करें तो खारे पानी का कुल जल क्षेत्र सबसे ज्यादा मिलता है, और इसके बाद में गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ठीक है, किसका किसका? गुजरात का, केरल का और पश्चिम बंगाल का स्थान मिलता है। तो यहां से जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो, हमें सब चीजों में यह पता चल रहा कि भाई नदियों और नहरों के मामले में कौन सा स्टेट नंबर वन है, तालाब के मामले में कौन से स्टेट हैं, वेटलैंड के मामले में और आपके चापाकार झील के मामले में, ठीक है, शुष्क पड़ते आपके जल स्रोतों के मामले में कौन से स्टेट नंबर वन आते हैं। तो इस हिसाब से आपको अलग अलग आंकड़े दिमाग में बनाए रखना है। अब हम बात करते हैं जैसे देश के पांच राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। अगर इन पांच राज्यों की हम बात करें तो इन पांच राज्यों में जल संसाधन का कुल क्षेत्र असमान रूप से वितरित है, जो देश के जल स्रोतों का आधे से अधिक। आप सोचिए, राज्य आपके 28+8, लेकिन जब हम बात करते हैं पांच राज्यों की तो आपको इन पांच राज्यों में ही जितने भी जल स्रोत हैं इनका आधे से अधिक हिस्सा इन्हीं के अंतर्गत आता है। जितने जल स्रोत हैं उनसे उनके आधे से अधिक हिस्से की अगर हम यहां पर विस्तार देखते हैं तो आपको पांच राज्यों के अंतर्गत मिलेगा। पुनः ये जल या तो अंतःस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा भूमि के नीचे रिसता है, या फिर अपवहन की प्रक्रिया द्वारा धरातलीय जल स्रोतों से बहते हुए बड़ी जल निकायों में संग्रहित हो जाता है। धीरे धीरे छोटी छोटी नदियों के फॉर्म में गया, बड़ी नदी जैसे गंगा में मिल गई, यमुना में मिल गई, वो जाकर के आपके महासागर में मिल गई, उस तरीके से वहां पर महासागर में इकट्ठा हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा, या फिर आपका क्या होता है धीरे धीरे रिसते हुए जमीन में चला जाता है, जो कि भूमिगत जल के तौर पर हम लोग प्रयोग करते हैं। पुनः यह संग्रहित जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में निर्गमित होता है। जब समुद्र पर रहेगा तो समुद्र पर आपके सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या होगा, सूर्य के प्रकाश द्वारा समुद्र पर जो जल आपका मौजूद है, ठीक है, वो गर्म होगा, लेयर उसकी गर्म होगी और गर्म होने के बाद वो लगातार वेपराइज होगी और फिर से ये क्या होगा, ये वायुमंडल में पहुंच जाएगा वेपर के फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद ये जल की चक्र जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया, आपकी जल चक्र की पूरी प्रक्रिया यहां से संपूर्ण होती है कि कैसे जल आपका स्थल मंडल से वायुमंडल में, वायुमंडल से फिर आपका जल मंडल में पहुंचता है। जल मंडल से शुरुआत होती है, वहीं पर गर्म हुए, निकले, टेक वायुमंडल में पहुंचे, संघनन की प्रक्रिया हुई, कंडेंसेशन हुआ, फिर से आपके वाटर बने और पुनः आपके स्थल पर लौट आते हैं। यह प्रक्रिया आपकी वाटर साइकिल। अब हम बात करते हैं जलभृत की, जिसको आप लोग एक्वीफर के तौर पर जानते हैं। एक्वीफर होता क्या है, आपको यह समझना है। तो एक्वीफर एक ऐसी चीज है जलभृत। अब आप समझ जाइए कि जल के अलग अलग रूप एक तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन यह व्यापक तौर पर समझना है। जब हम जलभृत की बात करते हैं तो जलभृत एक भूगर्भीय संरचना है जिसमें भूजल का परिवहन एवं संचयन होता है। यानी जल जो भूजल है आपका जमीन के अंदर, यानी ग्राउंड वाटर मौजूद है, उसका कैसे परिवहन हो रहा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और संचयन कैसे होता है, एक जगह पर आपका इकट्ठा कैसे होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग जलभृत के तौर पर जानते हैं। जलभृत से भूजल का संचारण होता है, यानी ट्रांसमिशन होता है, और इसमें वर्षा के अनुसार मात्रा व गति में परिवर्तन आता है। जिस अनुसार वर्षा होती है वैसे ही ग्राउंड वाटर में आपको, ठीक है, या एक्वीफर में, जलभृत में आपको ग्राउंड वाटर से कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। वर्षा की मात्रा जैसे होगी वैसे इसमें डिक्रीज और इंक्रीज दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, घटेगा भी बढ़ेगा भी। ये आपकी जलभृत एक दी हुई है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक जलभृत का पूरा एक व्यापक तौर पर समझिए, ये पूरी आपकी पृथ्वी के अंदर की सतहें हैं, विभिन्न सतहें हैं, ठीक है, ये आपकी एक पृथ्वी के ऊपर जो आपकी है, ये एक झील आपको दर्शाई गई है, ये झील है, ये आपकी एक नदी बहती हुई आई है, ये बीच में आपकी नदी बह रही, इधर आपके पूरा का पूरा स्थल मंडल है, ठीक है, इधर पूरा आपका क्या दिया हुआ है, ये स्थल मंडल, वन बगीचे, घास फूस जो भी है, ठीक है,
इधर आपकी जो है आर्टेजियन वेल दिया हुआ है, ये आपका जो दिया हुआ है ये आर्टेजियन वेल है, जहां से आपका क्या हो रहा, पानी धीरे 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 अंदर आपका पहुंच रहा है, ठीक है, विभिन्न तरीके से पानी आपका अंदर पहुंच रहा है। और ये आपके पृथ्वी की विभिन्न लेयर दी हैं, जिन लेयरों में आपके जिस हिसाब से आपकी भिन्न भिन्न सतह होती है, वाटर टेबल आपको सबसे पहले यहां पर मौजूदगी मिलेगी, उसके बाद फिर एक्वीफर के जो दो आपके होते हैं, एक तो आपका दाबाकृत होता है, ठीक है, और एक अदाबाकृत एक्वीफर होते हैं, जलभृतियां होती हैं। तो एक कन्फाइंड एक्वीफर आपका जो मिलेगा वो आपको, ठीक है, सबसे निचले स्तर पर मिलेगा, और जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है ये आपका वाटर टेबल के साथ ही साथ मौजूद रहता है। यहां से ये आपकी पूरी की पूरी जो दिखाई गई है ये एक आपकी एक्वीफर की इमेज है। ये व्यापक तो पैमाने पर जल के परिवहन और संचयन को दिखा रहा कि पानी आपका कैसे आ रहा है। स्थल मंडल पर पानी, मान लीजिए बारिश हुई, बारिश के बाद आपको एक ऐसा होल मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम आर्टेजियन वेल के तौर पर जानते हैं, कुएं के तौर पर जानते हैं, आर्टेजियन कुएं के तौर पर इसको जानते हैं। और इससे जल आपका रिश्ता हुआ धीरे धीरे क्या होता है, जब आपका सबसे नीचे पहुंच जाता है, ठीक है, तो यहां पर जल का संचयन जब होगा भूजल में, ग्राउंड वाटर में, तो इसको हम लोग कन्फाइंड एक्वीफर के तौर पर जानते हैं, ठीक है। इसकी उपस्थित कहां होगी, निचले स्तर पर। वहीं पर जब हम बात करते हैं, जब आपकी जो वाटर टेबल होती है, वाटर टेबल से नीचे ही जो आपका जो है एक जलभृत पाई जाती है, और इस जलभृत को अनकन्फाइंड जो है एक्वीफर के तौर पर जाना जाता है। ये दो तरीके के, हालांकि तीन तरीके के एक्वीफर होते हैं, अभी आगे हम उन पर बात करेंगे कि कौन सी श्रेणियां किस में विभाजित होती हैं। ये कुछ भी ऐसा नहीं, बस आप इतना दिमाग में रखिए कि जैसे हम जल को, ठीक है, एक बॉटल में संचयन कर लें, बॉटल से फर्श पर डाल दें, फर्श से पर डालेंगे तो जल किधर बहते हुए जाएगा और कहां जाकर के, जहां फर्श की ढलान होगी वहां जाकर के जल इकट्ठा हो जाएगा। वही चीज है कि कैसे आपकी बारिश हुई, बारिश होने के उपरांत ग्राउंड वाटर में कैसे जल आपका पहुंचता है रिश्ते रिश्ते, उसमें आपके किस तरीके के, आपको ऐसा कोई होल मिल गया, ऐसा वेल मिल गया जहां से वो सीधा आपका अंदर पहुंच गया, तो वहां पर पहुंचने पर जल का कौन सा, जलभृत का कौन सा रूप होगा, और अगर ऊपर वाटर टेबल पर ही रह जाता है तो वह जलभृत का कौन सा रूप होता है, बस आपको इतना समझना है। यानी जल का परिवहन कैसे हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा, और जल एक जगह पर आपका इकट्ठा कैसे हो रहा, यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, जलभृत के तौर पर जानी जाती है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है, कुछ भी इसमें फिगर को देखकर परेशान नहीं होना, जलभृत एक छोटी सी चीज है। आइए अब हम बात करते हैं एक्वीफर और इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जलभृत और इनके प्रकार क्या क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं एक्वीफर के टाइप्स में, तो ध्यान दीजिए, जलभृत को हम जो है निम्न तरीके से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अदाबीकृत जलभृत, ये क्या है, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले वाटर टेबल के नीचे साथ साथ ही प्राप्त किया था, यानी इसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर होता क्या है, देखो अदाबीकृत, ठीक है, नाम से ही आपकी चीजें निकल रही, अदाबीकृत जलभृत में भूजल भरने की, यानी जो चार्जिंग और खाली होने की, यानी डिस्चार्जिंग की गति लगातार बनी रहती है। जैसे पानी भूज ग्राउंड वाटर में भर रहा, उसी हिसाब से खाली होता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको अदाबीकृत जलभृत बोलते हैं। जिस हिसाब से पानी जा रहा उसी हिसाब से पानी आपका खाली होता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको अदाबीकृत जलभृत के तौर पर जानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें यह इस बात पर निर्भर करता कि भरने व खाली होने का क्षेत्रफल किस गति से बदल रहा है, चेंजेस कैसे होते हैं, और इस कारण यह भूजल स्तर लहरदार अनडुवेल्टिंग आकार में पाया जाता है। कहां पर क्या चीजें कैसे कैसे हैं, भूजल स्तर कभी आपका वाटर टेबल बढ़ गया तो भैया उस हिसाब से इसकी मौजूदगी है, किस हिसाब से पानी इसको मिल रहा उस हिसाब से इसकी मौजूदगी है, ठीक है। तो यह उन पर निर्भर करता है कि वहां पर इसको जल किस हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग अदाबीकृत जो है जलभृत के तौर पर जानते हैं। देखिए आप, एक आपके सामने पूरी इमेज दी हुई है बहुत अच्छी तरीके से। अब जब पानी आपका क्या हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे मान लीजिए वेपराइज हो, यहां पर बारिश की बूंदों के रूप में पानी आ रहा है, ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, जैसे स्थल मंडल है, यहां बारिश हुई भाई, तो धीरे धीरे आपका मिट्टियां जल जो है सूखेंगी और फिर जल आपका धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जल आपका नीचे पहुंचता है, ठीक है। अब जब जल यहां पहुंचेगा तो ये धीरे धीरे वाटर
नीचे की ओर आपका बढ़ने लगता है लगातार, कहीं पर भी आपकी बारिश हो रही है, ठीक है। वाटर टेबल से हम देखेंगे तो वाटर जो डिस्चार्जिंग है सरफेस की ओर यहां पर, ठीक है, लगातार जा भी रही है और इधर से आ भी रही है। इधर से आपका जल धीरे धीरे आपका वह भी आ भी रहा है वाटर जो आपके वेल्स हैं, और लगातार जो जरूरतें हैं वहां से पानी आपका खींचा भी जा रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको एक साथ दर्शाई गई हैं और ये किस में आती हैं, ये आदाबीकृत जलभृति है, यानी अनकन्फाइंड आपका एक्वीफर के अंतर्गत आता है, जिसमें आपकी जिस हिसाब से आपका पानी आएगा उसी हिसाब से पानी निकलता है, और ये निर्भर करता है कि किस हिसाब से इसको पानी की उपलब्धता हो रही है। समझ गए। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, दूसरी की बात करें, जैसे एक आपका यहां पर और आपको इमेज दिखाई गई। अब इस इमेज में आपको जो वाटर टेबल दर्शाई गई, जैसे बात कर रहे थे कि यह निर्भर करता है कि इसको किस जल स्रोत से पानी आपका मिल रहा है, तो एक वाटर टेबल है, ठीक है, यह जलभृद्धि है। अब यहां पर जब हम बात करेंगे, ठीक है, कोई आपकी छोटी सी आपकी रिवर दी हुई है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक तो इसमें दो बनते हैं, ठीक है, एक तो आपका बनता है परचर्ड वाटर टेबल, ठीक है, और यहां पर एक जोन जो आपका अनसेचुरेटेड जोन होगा, ठीक है, बीच में उपलब्ध होगा। तो यहां पर एक बात हमें एक तो सामान्य सी आपकी वाटर टेबल मौजूद ही है, लेकिन जो परचर्ड वाटर टेबल मौजूद होती है, यहां पर एक्वीफर की उपलब्धता और यहां पर एक्वीफर की उपलब्धता, इन दोनों में आपको अंतर मिलेगा, ठीक है। कैसे अंतर होगा, आइए मैं आपको और आगे समझाता हूं। ये जो परचर्ड जलभृति है और लहरदार जो भूजल स्तर है, इन दोनों को एक साथ दर्शाया गया कि आपकी जो वाटर टेबल होती है, जो आपकी भूजल स्तर होता है, ये हर जगह पर आप नहीं समझ सकते हो कि हर जगह एकदम इक्वल बना रहेगा, ठीक है। यहां पर आप वाटर टेबल देख रहे हैं कि धीरे धीरे निचला होता जा रहा, लेकिन इस तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार, इस तरफ देख रहे हैं आप लगातार वाटर टेबल बढ़ती जा रही। तो ये चीजें आपको अंतर मिलती है, यानी ये लहरदार तरीके से चलता है कि इसको जल किस तौर पर उपलब्ध होता है, ठीक है, किस तौर पर जल इसको उपलब्ध होता है, ये इसकी मात्रा उस तौर पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे इसमें हम बात करते हैं, तो अब हमें जो आदापीकृत जलभृति है, इसमें विशेष परिस्थिति में, खासकर जो अभी मैंने ऊपर जिक्र किया आपसे, आदापीकृत जलभृति की एक विशेष परिस्थिति को परचर्ड बोलते हैं, ठीक है, परचर्ड बोलते हैं। परचर्ड होती क्या है, इसमें मुख्य भूजल स्तर से भिन्न एक भूजल स्तर पर पाया जाता है। इसमें जो आपका जल स्तर है, यानी वाटर टेबल होती है, ये मुख्य जो आपकी वाटर टेबल है उससे अलग यहां पर पाई जाती है, जो कि आपको इस इमेज में दिख रही है। यहां पर जो आपको वाटर टेबल दिख रही है वो चीजें दूसरी है, परचर्ड वाटर टेबल आपकी दूसरी यहां पर मिल रही है, मुख्य आपकी ये है, लेकिन यहां पर दूसरी वाटर टेबल पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें नीचे की ओर आप्रवेशी चट्टानों की परत होती है, नीचे की ओर इसमें आप्रवेश, यानी जिनसे होकर जल आपका घुस नहीं पाएगा। परचर्ड भूजल क्षेत्र कई बार झरने के रूप में भी भू आकृतियों पर दिखाई देता है, झरने के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है, छोटे छोटे झरने बन गए, उस तौर पर झीलें हो गई उस तौर पर। आगे इसमें बात करते हैं, दूसरा जो आपका प्रकार होता है, जिसको हम लोग जानते हैं दाबीकृत जलभृत, यानी कन्फाइंड एक्वीफर के तौर पर। कन्फाइंड एक्वीफर, देखो, दाबीकृत जो आपका जलभृत है उस परिस्थिति में बनते हैं जहां पर जलभृत में भूजल वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब में पाया जाता है। ये किस आपके परिस्थिति में बनेंगे, उस परिस्थिति में बनते हैं जहां पर जलभृत में भूजल वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। भूजल दाबीकृत जलभृत में तब प्रवेश करता है जब दाबीकृत परत सतह तक उठ जाती है। भूजल इसमें ग्राउंड वाटर दाबीकृत जलभृत में कब प्रवेश करेगा, जब दाबीकृत परत सतह तक ऊपर उठ जाएगी, और अगर दाबीकृत संस्तर, ठीक है, यानी लेवल भूमिगत रह रहा है तब जलभृत आदापीकृत कहलाएगा। यही परिवर्तन होता है, यही एक विशेष अंतर होता है कि उसमें भैया जल कैसे रिस कर पहुंच रहा, ठीक है। अगर वहां पर जो आपका एक्वीफर है उसमें जल तभी जाएगा, ग्राउंड वाटर तभी उसमें प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, जब आपका जो दाबीकृत परत है ये सतह तक ऊपर उठ जाएगी। अगर सतह तक ऊपर नहीं उठ रही तो वो आपकी फिर से वही बनी रहेगी, जिसको हम आदाबीकृत जलभृत के तौर पर जानते हैं। दाबीकृत जलभृत के ऊपर एक काल्पनिक सतह होती है जिसे प्रमणता सतह कहते हैं, जिसको पियाजोमेट्रिक सरफेस बोलते हैं, जो कि भूजल के हाइड्रोस्टेटिक दाब स्तर के दर्शाती है।
अगर प्रवेश परत के ऊपर नीचे दोनों ओर अप्रवेशी रहे, ठीक है, जहां से पानी आपका प्रवेश कर रहा उसके दोनों ओर, ठीक है, नीचे और ऊपर अप्रवेश रहे, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे आर्टिसियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिसियन बोलते हैं। आर्टिसियन की परिस्थिति वहां पर आपको सबसे पहले वाले इमेज में मैंने आपको आर्टिसियन वेल के बारे में बताया था, ये वही परिस्थिति की बात कर रहा हूं मैं आपसे। यानी जब आपका प्रवेश परत के ऊपर नीचे, यानी जहां से आपका ग्राउंड वाटर इंटर करना है उसके ऊपर और नीचे दोनों ओर अप्रवेश रहे, ठीक है, वहां से एंट्री ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिसियन बोलते हैं, ठीक है। और आर्टिसियन परिस्थिति में हम क्या करेंगे भैया, जल कुआं प्रवेश परत को खोदा जाए तो उसे आर्टिसियन कुआं कहते हैं। वहां पानी पहुंचाने के लिए हम एक कुएं का निर्माण कर देते हैं। आर्टिसियन कुएं को बहता कुआं, फ्लोविंग वेल भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लोविंग वेल की भी संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रही है, ये आपको पूरी तरीके से इस बारे में दिखाया गया और समझाया गया है, ठीक है। ये आपके कन्फाइंड एक्वीफर है, ठीक है, सबसे निचले स्तर पर सॉलिड रॉक और क्ले के नीचे आपको मिलते हैं। ये आर्टिजियन एक्वीफर है क्योंकि यहां पर आपको आर्टिजियन वाल जो है वेल दिखाई दे रहा, यहां पर एक होल के माध्यम से पानी को पहुंचाया जा रहा, रिचार्ज किया जा रहा पानी को लगातार, ठीक है, तो इसको आर्टिजियन एक्वीफर बोला गया। और ये आपका जो आपको दूसरी परत मिलती है सॉलिड रॉक क्ले से, उससे नीचे मिलता तीसरे संस्तर पर आपको क्या मिलता है, ये विभिन्न संस्तर है यानी लेवल है। और जो आपको वाटर टेबल के साथ मिलता है, जलस्तर के साथ मिलता है, यहां वाटर टेबल वाल होते हैं और ये आपके अनकन्फाइंड यानी अदाबाकृत आदाबीकृत एक्वीफर है, ठीक है, ये आर्टिजियन एक्वीफर है जो उन कुएं के द्वारा निर्मित होते हैं। और तीसरा आपको दाबीकृत एक्वीफर मिलते हैं जो आपको सबसे तीसरे संस्तर पर मिलते हैं, सबसे निचला जो संस्तर मिलता है, सबसे निचला जो लेवल मिलता है, ये किसका होता है? ये दाबीकृत एक्वीफर का होता है, दाबीकृत आपके जलभृत का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसका होता है? ये दाबीकृत आपके जलभृत का होता है। अब हम बात करते हैं अर्ध दाबीकृत जलभृत, ये तीसरा प्रकार है यानी सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। ये क्या होते हैं? ये जलभृत प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा आपको नेचर में यही मिलेंगे। और इस प्रकार के जलभृत प्रायः जलोढ़ घाटियां जो है, समतल क्षेत्र झील है या द्रोणी में देखे जाते हैं। इस जलभृत में प्रवेश जो आपकी परत है यानी जहां से ग्राउंड वाटर इंटर करेगा, इसके ऊपर या नीचे एक अप्रवेश परत मिलेगी। और यह परत एक से ज्यादा प्रकार की चट्टानों की बनी होती जो या तो प्रवेश या फिर अप्रवेश श्रेणी की होती है, ठीक है। कई आपके अलग अलग इसमें परतें मिलती हैं और वो उनका जो फॉर्मेशन होता है ये कई अलग अलग चट्टानों से होती है। अब ये दोनों तरीके की हो सकती है, उसमें एंट्री हो और उसमें एंट्री ना हो, ये जिस भी कैटेगरी में हो। प्रकृति में उपर्युक्त परिस्थिति सघनता से मिलती है, परंतु गणितीय गणना है तो ऐसा माना जाता कि जलभृत में मिलने वाली चट्टाने एक ही संगठन व संरचना युक्त हैं और ऐसी परिस्थिति को आदर्श जलभृत कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आदर्श जलभृत की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, आइडियल एक्वीफर बोलते हैं। ऐसे आदर्श जलभृत यानी आइडियल एक्वीफर में समस्त स्थानों पर एक जैसे भूजलीय गुण होते जो प्रायः प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते। एक जैसे भूजलीय गुण की बात करेंगे जो आपको प्राकृतिक तौर पर नहीं मिलते हैं। आदर्श जलभृत को आइसोट्रोपिक जलभृत बोलते हैं, जो आपके आदर्श जलभृत हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको आइसोट्रोपिक एक्वीफर के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है, इनको किस तौर पर जानते हैं? आइसोट्रोपिक एक्वीफर और आदर्श जलभृत और लीकी जलभृत, ठीक है, में अंतर को जानने के लिए रिसाव कारक यानी जो लीकिंग फैक्टर है इसका मान निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आदर्श जलभृत जो एक तरीके से आइडियल एक्वीफर है और जो लीकी आपकी जलभृत होती है, ठीक है, इन दोनों में अगर अंतर जानना है तो उसके लिए रिसाव कारक यानी लीकिंग आपका फैक्टर का मान निकालते हैं। ये जल निकासी यानी जो आपका ड्रेनेज होता है इनके बदलाव यानी डेविएशन और कोन ऑफ डिप्रेशन या विच्छेदित भूजल यानी डिसकनेक्टेड वाटर के कम होने पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं भूजल के ऊर्ध्व वितरण की। भूजल का ऊर्ध्व वितरण कैसे होता है यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इसको समझिएगा, अच्छा बिंदु है। देखो, भूजल को आंतरिक जल क्षेत्र यानी जो इंटरनल वाटर है या शैलीय भूजल यानी जो आपके रॉक के बीच में है, ठीक है, उसको जिसको आप बोलते हैं बेड रॉक वाटर, और अंतः जुड़ाव भूजल क्षेत्रों में बांटा गया है। किसमें? इंटरनल या फिर आपका बेडरॉक वाटर और अंतः जुड़ाव भूजल क्षेत्र में बांटा गया है। आंतरिक जो आपका भूजल होता है, आंतरिक भूजल क्षेत्र होता है,
इसका मतलब होता है कि भैया रासायनिक रूप से संगठित जल मैग्मा में घुला हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक जल क्षेत्र। आइए इसको समझते हैं वाटर टेबल को, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, भूजल का ऊर्ध्व वितरण कैसे होता है, किस हिसाब से आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आपकी जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर्स दिए हुए हैं इधर। ठीक, ये विभिन्न तरीके के आपके जो है रॉक की जोन यहां पर उपलब्ध कराई गई है, किस हिसाब से दी हुई है। ठीक है, अब यहां पर जैसे हम बात करेंगे, हो सकता है आपको चीजें वहां क्लियर ना हो रही हूं। ठीक, अब ये पूरी की पूरी आपकी लैंड सरफेस है, यहां पर देखिए एक वृक्ष दिख रहा है, ये आपकी पृथ्वी की सतह है, लैंड सरफेस है। यहां पर आपका सॉइल वाटर होगा, जाहिर सी बात है, जहां से आपके पेड़ पौधे जल अपना प्राप्त करते हैं पोषण के लिए, खाना बनाने के लिए जहां से जल प्राप्त करते हैं, तो ये सॉइल वाटर होगा। इसके नीचे जस्ट हम जब देखना शुरू करेंगे तो यहां पर आपको इंटरमीडिएट वाडजो वाटर मिलेगा, वैडोज जो है वाटर मिलता है, और इसके नीचे आपके फ्रिंज वाटर की उपलब्धता होती है, और फिर इसके नीचे आपको क्या मिलता है, इसके नीचे यहां पर आपकी उपलब्धता होती है वाटर टेबल, जो हम लोग बात करते हैं किसकी, जो हम लोग बात करते हैं जल स्तर की, वाटर टेबल इसमें तीन स्तरों के बाद मिलेगा, तीन स्तरों के बाद मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वैसे अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सस्पेंडेड वाटर के तौर पर जानते हैं, इसका कोई अस्तित्व थोड़ी होता है, ये तो सस्पेंडेड वाटर के तौर पर जानते हैं, जिनमें आपका सॉइल वाटर शामिल है, जिनसे पेड़ पौधे पानी लेकर अपना भोजन बनाते हैं, उसी में आपका इंटरमीडिएट आपका वेडोज वाटर आता है, और साथ ही साथ इसी में जो फ्रिंज वाटर होते हैं, ये तीनों एक ही लेयर में आपके उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जिनको हम वेडोज वाटर की संज्ञा देते हैं। साथ ही साथ जब हम इसके नीचे बढ़ते हैं तो आपको वाटर टेबल मिलती है, जलस्तर मिलता है, और यहां पर आपको सबसे पहला जो ग्राउंड वाटर मिलता है, जिसको हम लोग फेरेटिक वाटर के तौर पर जानते हैं, जलस्तर पर जो आपको मिलेगा इसको हम लोग फेरेटिक वाटर के तौर पर जानते हैं, यहां से ग्राउंड वाटर। उसके बाद जब आप ग्राउंड वाटर से नीचे बढ़ेंगे तब आपको इंटरनल वाटर मिलता है, जिसके बारे में हमने यहां पर बात किया था कि इंटरनल वाटर क्या होते हैं। ये ऐसे आपके जल क्षेत्र होते हैं जहां रासायनिक रूप से संगठित जल मैग्मा में घुला हुआ है, वो चीजें आपको सबसे निचले स्तर पर मिलेगी। तो ये आपका वर्टिकल तरीके से कैसे जल आपका नीचे पूरी आपका विस्तारित होता है, वो उसकी एक इमेज दी गई है। ठीक है, अगर वहां नहीं क्लियर हो रही तो पीडीएफ सारे लोग प्राप्त कर लीजिएगा, वो उसमें देख लीजिएगा अच्छे से। आगे अब इसमें बढ़ते हैं, भूजल या तो चट्टान के जो है कणों के रूप में, जो भूजल है ग्राउंड वाटर है, भूजल या चट्टान के कणों के मध्य के खाली स्थानों का आपस में जुड़ा हुआ, ठीक है, जल जो कि एरेशन क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र में बांटा गया। अब यहां से भूजल में क्या करते हैं, हम फिर से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, और भूजल या चट्टान के कण के मध्य में जो खाली स्थानों से आपस में जुड़ा हुआ जल होता है, ठीक है, भूजल हो गया, या जो आपकी चट्टाने हैं, चट्टानों के बीच में जो आपके कणों के बीच में स्थान होगा, उनसे जो आपके जल जुड़े होते हैं, इनको क्या करते हैं, जो कि एरिजन आपके क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र में डिवाइड किए जाते हैं, दो तरीके से इनको डिवाइड करते हैं। एरिजन क्षेत्र क्या होते हैं भैया, ये तीन भागों में विभाजित है, एक तो पेलिकुलर क्षेत्र, दूसरा वाडोस क्षेत्र जो हमने वहां बात किया था, और तीसरा कैपिलरी क्षेत्र होता है। तीसरा क्या होता है, कैपिलरी क्षेत्र। और इसी तरह जो संतृप्त क्षेत्र है इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला होता है सहजात यानी आपका कॉर्नेट, और दूसरा होता है स्थिर, और तीसरा होता है दाबीकृत। ये दोनों को हम तीन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। संतृप्त क्षेत्र क्या है, इसमें समस्त खाली स्थान जब उनके जल के कणों से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक दाब का निर्माण होता है। यहां पर कौन सा दाब बनता है, हाइड्रोस्टैटिक दाब आपका यहां पर तैयार होता है, और यह संतृप्त क्षेत्र की ऊपरी परत से लेकर नीचे आप प्रवेश परत की गहराई तक मेजर किया जाता है। कहां से, संतृप्त क्षेत्र की ऊपरी परत से लेकर के, ठीक है, संतृप्त क्षेत्र मतलब जो आपका सैचुरेटेड एरिया है, सैचुरेटेड जो आपकी एरिया है इसकी सबसे ऊपरी परत से लेकर के नीचे आप प्रवेश परत तक, आप प्रवेश यानी जहां से वाटर आपका इंटर नहीं होगा उस लेवल तक गहराई तक मेजर करते हैं। अगर संतृप्त क्षेत्र यानी आपका सैचुरेटेड जो जोन है इसमें ऊपरी आप प्रवेश परत अगर हट जाए तो भूजल यानी ग्राउंड वाटर का जो आपका लेवल होगा यह ऊपरी परत पर ही संतृप्त क्षेत्र की सीमा को दर्शा देगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिएटिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्रिएटिक भूजल आपका स्तर कहते हैं, क्रिएटिक भूजल स्तर बोलते हैं। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, जो संतृप्त क्षेत्र है आपका, सैचुरेटेड जो हमारा जो है एरिया है,
जोन है, इनमें जितना भी भूजल एकत्र होगा इकट्ठा होगा उसका उपयोग उस क्षेत्र की वनस्पति के लिए हो सकता है जिसे उपलब्ध भूजल कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अवेलेबल वाटर बोलते हैं। उपलब्ध भूजल क्या है, उपलब्ध भूजल में जितना भूजल आता है वो सब का सब उस क्षेत्र की आपके जो हैबिटेट्स होते हैं वो प्रयोग कर लेते हैं, वनस्पतियां प्रयोग करते हैं। इसकी अधिकतम सीमा को क्षेत्र क्षमता यानी फील्ड कैपेसिटी जो है कैपेसिटी भी बोलते हैं, और न्यूनतम सीमा को शीथलन बिंदु बोलते हैं। न्यूनतम सीमा जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शीथलन बिंदु कहते हैं। सामान्य दाब में अधिकतम जल ग्रहण क्षमता को क्षेत्र क्षमता, जो सामान्य आपका दाब होगा इसमें जो अधिकतम क्षमता होती है इसको हम लोग क्षेत्र क्षमता कहते हैं, और वनस्पति मुरझाने के बिंदु को शीथलन बिंदु कहते हैं। वनस्पति मुरझाने के बिंदु को शीथलन बिंदु कहते हैं। कैपिलरी जोन क्या होता है, कैपिलरी जोन एरेशन जोन की निचली परत होती है, उससे नीचे पाई जाती है और संतृप्त क्षेत्र से संपर्क में है। इसमें कैपिलरी जल और हाइग्रो जो है स्कोपिक जल, ये दोनों के दोनों आपको इसमें उपलब्ध होते हैं, ये दोनों के दोनों इसमें आपको उपलब्ध रहेंगे। दोनों को कोई विशेष फर्क नहीं है। कैपिलरी जल मोटे दाने जलभृत का हिस्सा है, जहां पर पीने के कण बड़े आकार के दानों के मध्य पतली आकार की कैपिलरी ट्यूब में पाए जाते हैं। यहां जो पानी पीते हैं इनके कण आपके बड़े आकार के दानों के मध्य में पतली आकार की कैपिलरी ट्यूब में पाए जाते हैं, जबकि जो हाइग्रोस्कोपिक जो है स्कोपिक जल कण है इन पर पतली परत के रूप में पाए जाते हैं। और इस आधार पर गणक ज्ञात किया जाता कि जो किसी भी सूखी मृदा के अंदर 25 डिग्री तापमान व 50% आर्द्रता पर जल को सोखने की क्षमता होती हाइग्रोस्कोपिक जल और जल क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को उपलब्ध जल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने यहां पेयजल गुणवत्ता के मानक को अनुगुण से तय किए गए हैं, ये भी आपके जो है पाठ्यक्रम में दिया है। तो देखो वर्ष 2020 में भारतीय मानक ब्यूरो ने, जिसको आप लोग BIS के तौर पर जानते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए मानकों का एक मसौदा तैयार किया कि पाइप के द्वारा, जैसे हम लोग भी वही वाटर सप्लाई से पानी आता है, ठीक है, अब नहीं है पैसे तो क्या करोगे आप, पैसे है तो वो मंगा लेते हैं, कौन सा RO वाटर है, नहीं तो सप्लाई के द्वारा। अधिकतर आप भारत के घरों में देखिए जहां सप्लाई वाटर पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है, खासकर शहरों में तो जरूर, ठीक है। तो इसके लिए BIS ने एक आपका स्टैंडर्ड तैयार किया, मानक तैयार किया, और इस मानक के अंतर्गत क्या क्या बिंदु है। सबसे पहले इसने पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का जिक्र किया है। पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा के लिए आवश्यकताएं नामक यह मसौदा यानी बिल भारतीय मानक ब्यूरो की सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति सेवा अनुभागीय समिति के द्वारा तैयार किया गया। इसमें रिकमेंडेशन क्या है, इस मसौदे में स्रोत से लेकर घर के नल तक की पानी की आपूर्ति की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया, और इन मसौदे को केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। जल जीवन मिशन अपने यहां शुरू ही है, और इसका जो आपका जो है एक तरीके से क्या है, इसका एक तरीके से जो आपका मतलब टारगेट है, उद्देश्य है, वो यही है कि 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करा दिया जाए। इसमें दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं, इस मसौदे में जल आपूर्तिकर्ताओं के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया, जिसमें पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना, संचालन, रखरखाव और इससे जुड़े सुधारों को शामिल किया गया है। इसमें एक निर्धारित प्रक्रिया जल स्रोत की पहचान से शुरू होती है, जो भूजल, सतही जल स्रोत जैसे नदी, झरना या जलाशय हो सकता, जल के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के पश्चात जल की गुणवत्ता BIS द्वारा विकसित भारतीय मानक IS, ठीक है, 10500, इसको ध्यान रखिएगा कौन सा इसमें प्रयोग करते हैं, 10500, ठीक है, के अनुरूप होनी चाहिए। अपने यहां जो जल की गुणवत्ता है वो BIS के अनुसार कोई इस मानक पर होनी चाहिए, तो ये IS 10500 मानक है, इस कोड को याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है आपसे, ठीक। IS 10500 जल में उपस्थित विभिन्न पदार्थों को स्वीकार मात्रा को रोखांकित करता, जिनमें आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं, पानी में घुले ताप के ठोस पदार्थ, जल का पीएच मान और रंग और गंध आदि मापदंड शामिल है। इसमें सारी चीजों को एक साथ इंक्लूड किया जाता है। इस मसौदे में उपभोक्ताओं के हितों पर विशेष ध्यान, उत्तरदायित्व, सेवा के लिए गुणवत्ता नीति,
स्थापित करना लोगों को उपलब्ध कराए गए जल की गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण से संबंधित है। मसौदे में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपचार संयंत्र से प्रत्येक 4 घंटे, संयंत्र के जलाशयों में एकत्र जल से प्रत्येक 8 घंटे पर जल के नमूने लेकर निर्धारित मानकों पर इसकी जांच की जानी चाहिए। होना तो इतना चाहिए भैया, जहां पर आपका जो जल उपचार संयंत्र है, उपचार संयंत्र से प्रत्येक 4 घंटे पर आप लीजिए कि यहां पर जल की क्वालिटी क्या है, और जो आपका जलाशय है, ठीक है, जलाशय में एकत्र जल को आप हर 8 घंटे पर चेक करिए कि इसमें जो है निर्धारित मानकों पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या चीजें नहीं मौजूद हैं। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत घरों के स्तर पर भी जल के यादृच्छिक नमूने को उनकी जांच की जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं जल वितरण प्रक्रिया की, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सिस्टम है। इस मसौदे के अनुसार जल स्रोत की पहचान के बाद जल में निर्धारित मानकों के अनुरूप पीने योग्य गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसे एक उपचार संयंत्र से गुजारा जाएगा। यानी पहले पानी इकट्ठा किया जाएगा, फिर इसको क्या किया जाएगा, एक आपके ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा, संयंत्र में भेजा जाएगा, और वहां पर उपचार संयंत्र से निकलने के बाद जल के भंडारण हेतु वितरण प्रणाली में जलाशय होने चाहिए। साथ ही साथ वितरण के किसी भी स्तर पर संदूषण यानी कंटेमिनेशन से छुटकारा पाने के लिए कीटाणु शोधन सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए, और वितरण प्रणाली में पर्याप्त दबाव बनाए रखने के लिए आवश्यक पड़ने पर पंपिंग स्टेशन या बूस्टर का प्रबंध किया जाना चाहिए। वितरण प्रणाली में जल के नियंत्रण और निगरानी के लिए मीटर, वाल्व और अन्य आवश्यक उपकरण लगाने जाने चाहिए। इस मसौदे के अनुसार वितरण प्रणाली को स्वचालित मोड में चलाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, वह सारी चीजें अपने आप चलती रहे, और जहां संभव हो वहां डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया अवधारणा को अपनाई जाना चाहिए, DMA वहां अपनाया जाना चाहिए। ऐसी बातें 2020 वाले में की गई है। बेहतर निगरानी या ऑडिट के लिए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जल वितरण प्रणाली में बल्क वाटर मीटर की व्यवस्था की जो है जा सकती है। हालांकि घरेलू मीटर का भी प्रावधान किया जाना चाहिए, घरेलू मीटर भी लगे और वहां पर आपका बल्क मीटर भी लग सकता है। मीटर में संभावित छेड़छाड़ से बचने के लिए जल आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ताओं तक मीटर की सीधी पहुंच ना हो। अब हम बात करते हैं पेयजल की खराब गुणवत्ता के कारण क्या क्या हैं, क्यों पेयजल खराब आपके गुणवत्ता का होता है, क्या क्या लापरवाहियां हैं। जल शोधन के नाम पर प्रायः जल के क्लोरिनिकेशन मात्र से ही कर्तव्य की तीसरी कर ली जाती है। जाहिर सी बात अपने यहां तो यही चलता है भैया, क्लोरिनिकेशन हो गया, क्लोरिन से उसका शोधन हो गया, हम समझ जाते हैं उसमें क्लोरिन डाल दी मतलब जल शुद्ध, यहां तो बस इतने होता है, ठीक है। और क्लोरिनी आपका जो नेशन है इससे जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, लेकिन जल में घुलित लवण, क्षारीयता, विषाक्त धातु आदि को हम भैया क्लोरीनीकरण द्वारा समाप्त नहीं कर सकते कि क्लोरीन डाल दिया और वह समाप्त हो गया। आपूर्ति के लिए प्रयुक्त जो पाइपें हैं पुराने और रिसाव युक्त हैं, पाइपों में रिसाव या लीकेज से जल के दूषित होने की स्थिति बनती है। इसके अलावा जल की आपूर्ति लाइन और अवशिष्ट जल यानी जो सीवरेज लाइन है प्रायः साथ साथ गुजर रही होती है। अब मान लीजिए कहीं पर क्या हुआ, कहीं पर जल की पाइप जिससे पानी आ रहा वो फट गई, तो उसमें पूरा का पूरा सीवेज का पानी जाने लगा, नाले का पानी उसी में जाके घरों में पीने को चला गया, तो ये भी चीजें होती हैं। महानगरों में जल की मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक है, महानगर में जल की मांग जितनी है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए जल की आपूर्ति में इस कमी की भरपाई सतही जल और भूजल को आपस में मिलाकर की जाती है। हालांकि भूजल आर्सेनिक जैसे कैंसर कारक हो गए, ठीक है, प्रदूषकों से गंभीर रूप से दूषित हो सकते हैं। शहरों में क्या करते हैं, दोनों को मिक्सर करके फिर सप्लाई करते हैं, लेकिन भूजल में आपके आर्सेनिक जैसी चीजें मिलती हैं जो आपके कैंसर के कारण बनते हैं। जल जो है ये राज्य सूची का विषय, जल की सूची का विषय है राज्य सूची का, और इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच समन्वय की समस्या पैदा होती है। तेजी से होते शहरीकरण ने जल के असमान वितरण और प्रदूषण के कारण स्थानीय जल निकायों के संदूषण की समस्या उत्पन्न कर दी। नगरीकरण देखो यार, गांव से कितना तेजी से पलायन हो रहा है, सभी को लगता है शहर में हवा मिल रहा है, चलो शहर चलते हैं, वहां सब कुछ है, वहां पर यह है, भले ही फुटपाथ पर जिंदगी गुजरती लेकिन सारे लोग शहर की ओर बढ़ा। अब लगातार जिस हिसाब से नगरीकरण होगा और आप आने वाली दुनिया में भी देख रहे हैं, अभी तो बहुत कम लोग शहरों में रह रहे हैं, 11-12% जितनी अपनी पॉपुलेशन है उसकी शहरों में रहती है। सोचिए जिस दिन आपकी ये 30-40% पहुंच गई उस दिन क्या हालात होंगे, उस दिन तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी।
दिल्ली वगैरह में सीधा आप देखिए कि नहरों का ही पानी डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है पीने के लिए, क्या किया जाए? कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लोग पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो ये सब स्थितियाँ बद से बदतर होती जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या के कारणों में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगला विश्व युद्ध और कोई करे चाहे ना करे, लेकिन जल तो जरूर करा देगा। महासागर में जो जल है उसको तो पी नहीं सकते, खा रहा है पूरा का पूरा, सैलिन वाटर है। कभी कभी जिन स्थानों से जल के आपके नमूने एकत्र किए जाते हैं, वह क्षेत्र में जल की गुणवत्ता की सही स्थिति को प्रतिबंधित ही नहीं करते। गुणवत्ताहीन जो आपके पेयजल है, इनके प्रभाव क्या है? हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव, भारत के लगभग 70% रोग जल जनित होते हैं। अपने यहां अगर देखा जाए तो 70% जो रोग हैं वो सब के सब आपके वाटर से पैदा होते हैं, जल जनित हैं। इसीलिए जल की खराब गुणवत्ता गंभीर स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न करती है। आर्थिक लागत, गुणवत्ताहीन पेयजल के कारण पर्यटकों की आमद घट जाएगी, ऐसे ही रहा। दूरगामी प्रभाव क्या होगा? पेयजल की खराब गुणवत्ता ही प्लास्टिक बोतल बंद पेयजल की बिक्री का प्रमुख कारण है। ये बोतल बंद जल प्लास्टिक प्रदूषण को जन्म दे रहा है। संसाधनों की बर्बादी, आरओ महंगा होता है और 1 लीटर आरओ या बोतल बंद जल के लिए कई लीटर जल बर्बाद किया जाता है। इसके अलावा आरओ जल आवश्यक खनिज और लवणों से वंचित होता है। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो जल संकट की इस स्थिति में सभी को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लक्ष्य यानी सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 की पूर्ति को की संभावना कम हो जाती है। जो एसडीजी हमने पॉइंट नंबर 6 रखा है, मिल चुका। अब इसमें ध्यान दीजिए, रिपोर्ट जो आई है बीआईएस की, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की, इसके द्वारा किए गए परीक्षण में दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे अन्य महानगर 11 गुणवत्ता मानकों में से लगभग 10 में विफल है। अरे सोचो, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, इन महानगरों में 11 मानक बीआईएस ने लेकर चले थे, उनमें से 10 मानक में ये जो है विफल है। क्या गुणवत्ता है इनके पानी की? अन्य राज्यों की राजधानी में से अधिकांश की यही स्थित है, लखनऊ भी शामिल है। जल संकट की प्रकृति, वाटर एड की बात करें, वाटर एड द्वारा जारी जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में से 120वें रैंक पर है। नीति आयोग द्वारा 2018 में जारी जो कंपोजिट आपका वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट रहा, इसमें बताया गया कि देश भर के लगभग 21 प्रमुख शहर दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य वर्ष 2020 तक शून्य भूजल स्तर पर पहुंच जाएंगे और इसके कारण लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। हाई अपने यहाँ कई ऐसी चीजें, आप लखनऊ में स्थित देखिए, ठीक है, आप आगरा में देखिए, आगरा में भी आपका ग्राउंड वाटर लगातार जीरो होता जा रहा है, बहुत तेजी से ग्राउंड वाटर घट रहा है। नीति आयोग के अनुसार भारत पहली बार जल संकट का सामना कर रहा है और यदि उपराजात्मक कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश में पीने योग्य जल की कमी हो सकती है। हमें तो लगता है जल्द ही होगी, 2030 की जो चीजें आ रही, पीने योग्य अपने यहां जल लगातार बहुत तेजी से खत्म हो रहा। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दोहरी मार झेलनी पड़ रही, जहां ना केवल वायु गुणवत्ता के खराब मानक हैं, ठीक है, बल्कि जल गुणवत्ता भी बहुत खराब है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टिविटी सर्वे की। ये सर्वे क्यों होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। तो इसमें भी हम ग्राउंड वाटर पता करने के लिए ही इस सर्वे का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा ग्राउंड वाटर कहाँ पर कैसे है, अब पृथ्वी के नीचे हम कुआं तो खोद कर देख नहीं पाएंगे या टेलीस्कोप डाल के देख लेंगे, चट्टाने काट के, ऐसी चीजें तो है ना, इसीलिए कहां पर कितना भूजल का स्तर है उसको पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, इस तकनीक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय सर्वेक्षण तकनीक पीने योग्य भूजल की खोज, जलभृत में लवणता के स्तर को मापने और तटीय खारा घुसपैठ की निगरानी और फसल वृद्धि के संबंध में मिट्टी की लवणता के मानचित्रण के लिए विशेष रूप से सफल रही है। इस विधि का प्रयोग हम कहां करते हैं, सबसे पहले आपको यह जानना है। तो जो विद्युत चुंबकीय सर्वेक्षण तकनीक है, यह क्या करती है, ऐसा जल जो आपका पीने योग्य भूजल है, ठीक है, उसकी खोज, जो आपके एक्वीफर है उनमें लवणता का स्तर, साथ ही साथ जो आपके तटीय खारा घुसपैठ हो रही उनकी निगरानी और फसल वृद्धि के संबंध में मिट्टी की लवणता के मानचित्रण को विशेष जो है के लिए विशेष रूप से आपकी सफल तकनीकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टिविटी सर्वे। भूजल क्षमता का आकलन करने और खंडित अपुष्ट जलभृत में बोरहोल लगाने के उद्देश्य से स्तरित मीडिया की मोटाई और प्रतिरोधकता निर्धारित करने के लिए विद्युत प्रतिरोधकता सर्वेक्षण विधि का व्यापक तौर पर हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि क्यों प्रयोग करते हैं हम आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टिविटी सर्वे का, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं कि हम बोरहोल लगा सकते हैं जो आपके एक्वीफर है, ठीक है, वहां पर,
और साथ ही साथ जो आपका स्तरित मीडिया है, जिस आपके लेवल में ये चीज़ें हो रही हैं, उसकी मोटाई और उसमें क्या चीज़ें आपकी रेजिस्टिविटी है, ये सबके लिए निर्धारित करने के लिए हम सबसे पहले ही इस उपकरण के द्वारा एक सर्वे ले सकते हैं। परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तो यह एक आयामी 1D वर्टिकल इलेक्ट्रिक साउंडिंग BES सर्वेक्षणों का उपयोग करके किया जाता। हालांकि 1D जो आपका YVES है, ये केवल उपसतह के मॉडल स्तरित संरचनाओं का सर्वेक्षण करता है, ऊपरी सतह का, उपसतह का, और उपसतह जल भू जो है भूवैज्ञानिक विशेषताओं की संरचना और सीमा की व्याख्या करने के लिए व्यापक जानकारी प्रदान नहीं करता। जैसे कि भूजल पूर्वेक्षण के लिए द्वि आयामी 2D जो आपका भूभौतिकीय तकनीकों का समावेश अक्सर उपसतह हाइड्रो भूवैज्ञानिक विशेषताओं की अधिक विस्तृत व्याख्या प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे सफल बोरहोल स्थान के लिए संभावित स्थलों की पहचान कर ली जाती है। विभिन्न प्रकार के जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, ठीक है, जैसे क्षैतिज लूप EM हो गया, ग्राउंड कंडक्टिविटी मीटर हो गया और आपका BLF हो गया, इन सबका उपयोग अकेले या पारस्परिक जो है रेजिस्टिविटी के संयोजन में भूजल का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। जहां पर आपका जो है स्तर है, कहीं कहीं पर आपका पोरस मिल रहा, जिसको हम झरझरा बोलते हैं, खुरदरा बोल सकते हैं, और कहीं पर आपका फिसर्ड मिल रहा, विदारक मिल रहा, इन दोनों माध्यमों में भूजल की खोज के लिए प्रत्यक्ष वर्तमान विद्युत विधियां सबसे लोकप्रिय उपकरणों में से एक है। जो आपका फिसर्ड लेवल है, मीडियम है, इसके मामले में पानी की उपस्थिति के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्रों को सतह पर मापे गए स्पष्ट रेजिस्टिविटी मूल्यों के न्यूनतम के अनुसार चुना जाता। परिवर्तन और बिदर, जिससे चट्टानों की जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है धीरे धीरे लगातार कम हो जाती है। BLF विधि जो पिछले वाले की तुलना में कम उपयोग की जाती है, क्योंकि उनकी जांच की गहराई अधिक सीमित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रवाहकीय क्षेत्रों की स्थान अनुमति दे देती है। भूजल क्षेत्र सर्वेक्षण में यथासंभव सुधार करने के लिए BRGM स्वचालित माप प्रक्रिया, भू भौतिकीय मापदंडों की स्वचालित गणना और डेटा के डिजिटल भंडारण के साथ उपयोग में आसान उपकरण विकसित कर रहा है। इसीलिए आपका एक तो आपका सिस्कल R1 और R2 रेजिस्टिविटी मीटर और आपका सिस्कल BLF और TBLF विद्युत चुंबकीय उपकरणों को डिजाइन किया गया। नए विकसित TBLF जो रिसीवर है, इसको एंटीना की दिशा के संबंध में ऑपरेट के विशिष्ट अभिविन्यास की आवश्यकता नहीं होने का लाभ मिला। 2D जो आपका जो है विद्युत प्रतिरोधकता आपका सर्वेक्षण है, ये एक अन्य विस्तृत आपका उपसतह संरचना प्रदान करते हैं और संभावित फ्रैक्चर के विन्यास की पहचान करने में सहायता कर सकते हैं, जो अध्ययन क्षेत्र के उथले उपसतह में भूजल का संचालन कर सकते हैं। और ये निष्कर्ष निकाला गया कि अत्यधिक अपक्षय और खंडित जो बेसाल्टिक ग्रीन स्टोन चट्टाने हैं, इनमें भूजल की उपलब्धता का आकलन करने के लिए 2D विद्युत प्रतिरोधकता जो विधि है, एक प्रभावी उपकरण होता है। विधियों में पारंपरिक आपका VIS की तुलना में अध्ययन क्षेत्र के लिए अधिक सटीक हाइड्रो भू और जो है स्थैतिकीय भू भौतिकीय मॉडल प्रदान किया गया, और इस अध्ययन के परिणाम तकनीकी भूजल प्रबंधन के लिए उपयोगी है, क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से दीर्घकालिक भूजल पूर्वेक्षण के लिए उपयुक्त बोरहोल स्थानों की पहचान की जाती है। तो मुख्य उद्देश्य बोरहोल लगाने को रहता है। अध्ययन बेसाल्टिक गठन में भूजल क्षमता के भू जो आपकी विद्युत विधियां हैं, इनके उपयोग का आकलन करता, और अध्ययन क्षेत्र के मध्य क्षेत्र की ओर कम जो आपको प्रतिरोधकता रीडिंग मिलती है, लेस देन आपका 50 मीटर, एक उच्च भूजल क्षमता का सुझाव देती है। इस आंकड़े को ध्यान रखिएगा, यहां से पूछ सकता है कि अगर लेस देन 50 मीटर है तो वहां पर जो भूजल पाया जाएगा वो उच्च जो है भूजल क्षमता है। अगर अध्ययन के क्षेत्र में पश्चिमी मार्जिन के आसपास उच्च प्रतिरोधकता 500 मीटर से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो कम भूजल क्षमता का सुझाव देती है। ठीक है, यही आपकी दो चीजें चलती हैं इसमें, मानक में चलती हैं। तकनीक के बारे में हो गया, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। लंबी टॉपिक रही है, लेकिन अब भाई विषय में दिया, इससे अगला टॉपिक प्रयास करूंगा कि आपको साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है वो समझाऊं। आज के लिए बस इतना ही, मस्ती के साथ ऐसे पढ़ते हैं। नोट्स के लिए परीक्षा प्लस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, वहाँ से सारे लोग ज्वाइन कर लें, नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप परीक्षा प्लस के द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। सभी का भाई बहुत बहुत